बढ़ते खबरों में आगे ज्ञानवापी मामले पर एआईएमआईएम चीफ अज़ुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को कहा था कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, जिसमें वजू खाना भी शामिल है और वजू के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जरूरी है। और क्या कुछ कहा ओवैसी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने 16 मई के ऑर्डर में लास्ट ऑर्डर में कहा था कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत होगी और उनका जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस होगा उसकी इजाजत होगी, हमारा मानना यह है कि रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है और वजू के लिए मुझे उस पॉइंट से वजू करना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों को उस वजू से महरूम कर रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका जिक्र किया तो अहमदी साहब ने कहा कि अल्टरनेट नहीं बल्कि हमको जो वजू अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं चाहिए। तो जजेस साहब ने ऑर्डर किया कि डायरेक्ट किया बल्कि कि वजू का इंतजाम हो। और अहमदी साहब ने ये आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट